नमस्कार, चमत्कार या अंधविश्वास की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हमारी टीम हिंदुस्तान न्यूज डेली की टीम पहुंचे करनाल गांव, जहाँ के एक वेद है जिनका नाम है मूलचंद। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वहां के लोगों का ये कहना है कि वो जो वेद है मूलचंद जी, वो हड्डियों का इलाज करते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो उसका इलाज करते हैं। तो इसी की जांच पड़ताल करने आज हमारी टीम पहुंची है वहां पे करनाल गांव में, कि ऐसा क्या है जो हड्डियों, कई तरीके का हड्डियों का जो इलाज है वो ठीक हो जाता है। तो उसकी जांच पड़ताल करने पहुंची है। तो उनके जांच पड़ताल करने के बाद हमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज मिली है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो आइए सीधे वैद्य जी से आपकी बात कराते हैं। वैद्य जी, आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में पहले तो बहुत बहुत स्वागत। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आप कब से कर रहे हैं ये वैद्य का काम? मैं 30 साल से मैं ये काम करता हूँ और कम से कम भी 80% रिजल्ट अच्छा है। मतलब मैंने यहाँ पे अभी कुछ मरीज भी मिले थे, मुझे रास्ते में भी मिले थे, आपके नाम से ही आपकी पहचान होती बनती जा रही है। लोग कहते हैं कि जो चीज़ डॉक्टर मना कर देते हैं, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, आप उसे ठीक कर देते हैं। तो ये मतलब चमत्कार है या कुछ हाथों का हुनर है? कुछ उस मालिक की देन है और कुछ तजर्बा है। कितने साल हो गए ये करते हुए? 30 साल हो गए मुझे करते हुए। कितने लोग आ चुके होंगे आज तक कुछ अंदाज़ा? लाखों के हिसाब में। कहाँ कहाँ से आते हैं? आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ताजीरिया, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदेश से आके इलाज करवाते हैं। फॉरेन से भी मतलब आपके पास लोग आते हैं अपने इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर मना कर देते हैं लेकिन आप ठीक कर देते हैं? ऐसा है, अब इनको इनके ये घुटना ख़राब हुआ है, 12 साल से ये परेशान है। ये एक बारी आए हैं, आज दूसरी बारी आए हैं। इनसे पूछो भाई, तुम्हारे को कितना आराम है, कितने गोड्डे के अंदर क्या था? अंडी जी, क्या नाम है आप? संतोष जी। कहाँ से आए हैं? गवाने से आए जी। क्या परेशानी थी आपको? मेरे घुटने में दर्द था। यहाँ के कुछ रिलीफ मिला, आराम मिला? आराम मिला, 19-20 का आराम है जी। 19-20 का आराम है। डॉक्टरों ने क्या कहा था? पहले तो डॉक्टरों को दिखाया होगा आपने? डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला, उनका भी ऑपरेशन भी हो सका है, घुटने में मतलब ग्रीस खत्म हो रहा है। रोड तक भी दिखाया, PGI खानपुर भी दिखाया, गवाना भी दिखाया, मतलब वैद्या का बिचपुड़ी भी दिखाया, कोई आराम नहीं मिला है। यहाँ आके आराम मिला? आराम है इसमें। पहले से आराम मिल गया आपको? अभी कौन सी बार आए हैं, पहली बार या दूसरी बार? तीसरी बार आई हूँ। तो सर, आपका मैं ये पूछना चाहूँगा, इससे पहले भी आपके फादर या फिर दादा ही कोई इस फादर करते थे काम इस बात को? मैं 1967 के अंदर सीखा था उनसे। दर पीढ़ी काम बढ़ता जा रहा है, मतलब आगे बच्चे करने नहीं चाहते। क्यों सर? डरते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल काम करके राजी नहीं है, शौक अच्छा पालते हैं। लेकिन वैद्य का काम भी तो बहुत अच्छा होता है, किसी इंसान के जीवन को अच्छा करने लोग हैं ना, वो इस चीज़ को अपनाते हैं। आजकल के लोग सारे हॉस्पिटलों में इलाज करवाते हैं, वो गुमराह हुए रहते हैं। कोई कह देता है उनकी थूरी नहीं है, इनको दबा के सेट सीधा ही करने की, सीधा ऑपरेशन। और ऐसा काम कुछ नहीं है, ऑपरेशन का कम से कम भी 10% है जो कामयाब है और 90% बिल्कुल टोटल लॉस है, उसके बाद में ये ठीक भी नहीं हो सकता। मतलब जो डॉक्टर्स डरा देते हैं इंसान को कि ऑपरेशन के नाम पे, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े खर्चे के बीच आप चुटकियों में उस चीज़ को सही कर देते हैं। हमारा क्या इलाज है, 2-2.5 हज़ार में आदमी ठीक हो जाता है। अच्छा। और वहाँ एक MRI 10 हज़ार से कम नहीं पड़ती है, आदमी फी तो वहीं थक जाता है। क्या न्यूनतम फीस क्या होती है? हमारी 500 रुपये फीस है एक बारी की। कितनी बारी के इंसान को आना होता है, जैसे मान लीजिए कोई आना होता है? बस 4-5 बारी में सेट हो जाता है। कौन कौन से दर्द, मतलब किस किस चीज़ों का आप इलाज करते हैं? जो हड्डियों से जो संबंधित है, सारे हड्डियों से ही करते हैं। मतलब शरीर के अंदर कोई भी हड्डियों में दिक्कत हो आप सही कर देते हैं? अच्छा। जो ढीला हुआ है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है नहीं, डिस है, घुटने हैं, गट्टे हैं, सब करते हैं। एक मिनट बहन जी, इंटरव्यू दे के जाना पड़ेगा वो। फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, भाई भी देखेगा ना कि बहन इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। एक मिनट बैठा हुई आइए।
मैं पैसे बता देती, बहुत बढ़िया है जी, यहाँ के रिलीफ बड़ी जल्दी मिलता है जी मैम। तो एक मिनट, दो मिनट ही बोलना है बस कैमरे के आगे। सारे ही जानते हैं राज, कैमरे में नहीं आवाज में तो दे देते भाई, ये तो कैसे करें, भाई देखेगा तो वो ग्लास ज्यादा लगाएंगे, टूटे फूटे है। भाई साहब आपका क्या नाम है? योगेश नाम है मेरा। योगेश जी कहाँ से आए? योगेश जी गवाना से। गवाना से, अच्छा आंटी जी के साथ आए। अच्छा मम्मी आपकी, तो कैसा लग रहा है यहाँ के, रिलीफ मिल गया मतलब? आराम है वहाँ से, कई परसेंट में, कई परसेंट आराम है, आराम है। यहाँ का पता कैसे चला था आप लोग? जो मेरी सास थी वो आई थी पहली बार, उनके साथ हम यहाँ पे आए थे, पहले उनका भी इलाज हुआ है। हाँ जी, रिलीफ मिल गया तो यहाँ उनको आराम मिला तब लेके आए हैं। पहले से आराम है मम्मी? उन दोनों को आराम है, 100% में से 99% आराम है। अंकल जी एक बात और बताइए, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी तकनीकें आ रही हैं, नई नई खोजें हो रही हैं कि इंसान के जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ा दिया जाए, तो एक डर पैदा कर देता है जो डॉक्टर इंसान के दिल में कि आपकी रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें होती हैं। ऐसा है, डॉक्टर अपनी जगह है, ये पुरानी हजारों साल पुरानी ये जो तकनीक है ना, पहले यही थी, डॉक्टर कम होते थे, यही टूट फूट का काम पहले यही चलता था, ये छुप चुका है, क्यों करने वाले नहीं रहे, जो करने वाले थे वो कुछ गुजर गए, कुछ विदेशों में चले गए, है नहीं, और इस करके ये हमारी पिछली जाति जितनी भी है वो इस चीज़ से पीछे पिछड़ चुकी है। सरकार द्वारा कोई सहूलियत प्राप्त हो रही है आप लोग? कुछ नहीं है, सरकार तो हमारे को काटने पे तैयार है। अरे इतना अच्छा काम कर रहे हो आप इंसानी जीवन के लिए, को नहीं मिलती है, अगर हम पढ़े लिखे होते है नहीं, हमारे पास डिग्रियाँ होती तो हमारे को मान्यता मिलती, अनपढ़ आदमी को कौन देता है, पास भी नहीं बैठने देता। मतलब डिग्री हो ज्ञान ना हो चल जाएगा, डिग्री हो ज्ञान ना हो घर के ऊपर बोर्ड लग जाएगा डॉक्टर MBS। आज तक आपने 10,000 से ज़्यादा लोगों को रिलीफ तो पहुँचा दिया होगा? कम से कम लाखों आदमियों को, लाखों आदमियों को रिलीफ मिल गया। हाँ जी, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा कोई सहूलियत प्राप्त नहीं है। सहूलियत नहीं, आने वाले टाइम में फिर बच्चों का तो कोई मन ही नहीं होगा इस काम? नहीं जी, मेरे पास 5 डॉक्टर आते हैं। अच्छा। एक बॉम्बे से, एक सोलापुर से, अच्छा। और एक ग्वालियर से, और एक होशियारपुर से, दसुआ गांव है वहाँ से, जिनके अपने नर्सिंग होम चल रहे हैं, और एक अंबरसर से जो कि मेरे से ट्रेनिंग लेने आते हैं। अच्छा। हाँ, वो सीख के काम करते हैं। डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? हाँ जी। तो एक बात बताइए मुझे, इसमें पूछना चाहता हूँ मैं, जो डॉक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े MBBS आते हैं, आपसे ट्रेनिंग लेते हैं आके, तो आप उनको जब अपना ज्ञान देते हो, बताते हो, तो उनके उनकी उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है आपके लिए? उनका तो यही है कि भाई हमारे को कैसे भी हो गुरु मिल जाए। अच्छा। हैं जी, और गुरु का जो एक सम्मान एक ऐसा होता है कि वो भेदभाव नहीं समझता है। इस कला को उठाने के लिए मेरी कोशिश यही है, जो भी सीखना चाहे आराम से सीख ले, जो मैं फैसिलिटी है मेरे पास मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये काम दबे ना, ये ऊपर उठे, ताकि गरीब आदमी का इलाज हो सके, वो भी सुकून से जी सके। किस किस दिन यहाँ पे आप करते हैं सेवा? सोमवार से लेके शुक्रवार तक करनाल होता हूँ। टाइमिंग क्या होती है? सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। दिल्ली से बाहर अगर किसी इंसान को ये जरूरत हो तो अगर वो नहीं मेरा अगर वो ऐसा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, एक आदमी के पीछे मैं 50 आदमी को नाराज नहीं कर सकता, क्यों 50 आदमी तड़पेंगे, एक के घर पे जाता हूँ, वो ये इसको भी दिखा, उसको भी दिखा, इसको भी दिखा, वो हो जाता है। मेरे को 30 साल में बहुत ज्ञान मिल चुका है इस चीज़ का, घर जाके इलाज कभी किसी का नहीं होता, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआ उसके पास चला जाएगा तो क्या हमारे घर का कुआ है। तो आप यहीं इस पूरे घर से ऑपरेट करते हैं सारा कुछ? ये आपका छोटा सा कैबिन बना रखा है आपने यहाँ पे, तो सैटरडे मंडे से सोमवार से लेकर रविवार तक? सैटरडे संडे गुड़गावा होता हूँ, सेक्टर 14 ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी, वहाँ पे भी आप इलाज करते? हाँ जी। यहाँ इतनी भीड़ होती है तो यहाँ टाइम ही नहीं मिलता। आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए। आप लेडी महिलाओं के लिए रहेगा तो कैसा लग रहा है सर के साथ काम? बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में। अच्छा, मालिश करती हूँ, साथ में पट्टी वट्टी कराती हूँ। आप तो देखते होंगे काफी लोग आते होंगे दिन में दिन यहाँ पे काफी परेशान पीड़ा के साथ, तो हंसते हुए जाते होंगे? हंसते जाते हैं। अच्छा। उस पे आते हैं एम्बुलेंस में और चल के जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सेवा तो बहुत बड़ी हो गई मतलब। हाँ जी, हाँ जी, लोगों के लिए जीवन से दर्द ही गायब कर दिया। देखो आते हैं वो लंगड़ाते हुए, ठीक होके जाते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक किसी ने नहीं बोला भी हम ठीक नहीं है, ज़्यादातर यही है कि भी ठीक है वो। अच्छा। बहुत ठीक होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं, हंस के जाते हैं,
आप कब से कर रहे हैं मैम? मुझे कई साल हो गए, आने वाले टाइम तक। हाँ जी हाँ जी, साथ ही रहेंगे। जो ये काम करते थे इनसे मैंने सीखा। सर का नाम बता दीजिए। बुधराम, स्वर्गीय लाठी श्री बुधराम जी। माता जी का नाम है रामकली जी, है नी। इनकी मैं सेवा करता हूँ, गुरु गोरखनाथ जी, गुरु रविदास जी, हनुमान जी, इनकी मैं सेवक हूँ। इनकी कृपा आपके ऊपर बनी। हाँ जी हाँ जी। चलिए, इंसान के प्रति, इंसान के प्रति यही सेवा है। मालिश के द्वारा कुछ बैकअप दे के आदमी को ठीक करते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े वो होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, मशीनरी होती है, उसके जरिए भी इलाज नहीं हो पाता। आप यहाँ पे चुटकियों में इलाज करते हैं। बिल्कुल है जी, हमें MRI की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी मरीज आता है, हम अपने आप चेक करके और उसको बता देते हैं। रिपोर्ट ले के बाहर बैठो, आप रिपोर्ट में देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और रिपोर्ट क्या बोल रही है। मतलब ईश्वर ने इतनी अच्छी आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल अंगूठा टेक हूँ। बस सब भाइयों के साथ मिल के ज़रा थोड़ा थोड़े दो चार शब्द हिंदी के, कोई पंजाबी के, कोई उर्दू के, रली विली मैं बोल लेता हूँ बस। ईश्वर ने इतनी अच्छी आपको आंखें दे रखी हैं, मतलब बिना एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना पारदर्शिता ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। भगवान करे आप पे ऐसी कृपा बनी रहे और लोगों का फ़ायदा होता चले, हम यही चाहते हैं। सोचता हूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूँ, ये नारायण सेवा है, इससे बढ़ के कोई सेवा भी नहीं दिखती मेरे को। आप किसी को भी कोई दान दो, कुछ करो, हैं जी, वो खाएगा पिएगा, बेकार जाएगा। और जो काया का दुख है ना, अगर इसको मिटाऊंगा, वो आदमी जब तक जे जब तक याद करेगा कि भाई मेरे साथ इस आदमी ने मेरा दुख हरा। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इंसान के प्रति इसकी सेवा मेरे को बहुत अच्छी लगी है। भगवान दुआ तो देता है। दुआ है जी, उनकी दुआ से खड़ा हूँ। 64 साल की उम्र हो चुकी है जी। है नहीं, अभी भी हिम्मत नहीं हारता। सारों को दुख को देख के मेरा हौसला बढ़ जाता है कि भाई इसका दुख काटना है। अगर किसी एक इंसान के कमर का दर्द हो तो उसको कितनी बार आना होगा यहाँ? 5-6 बारी में हो जाता है। सिर्फ 5-6 बार के इलाज में आपसे बिल्कुल सही है। हफ्ते में 1 बारी बुलाते हैं बस। बहुत बढ़िया सर। और इस बात पे मैं ऑन कैमरा आज पहली बार चमत्कार अंधविश्वास के एपिसोड में सर जी से पहली बार हाथ मिलाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं जनता की, देश की। भगवान आपके पास ऐसी कृपा बनाए रखे। मेहनत करिए, बर्फ का काम मैं करता है। हाँ, मैं हम आ रहे थे उस समय, लोग हमने पूछा काफ़ी लोगों से आपका नाम लेके, वैद्य जी का घर कहाँ है, तो उन्होंने बर्फ वाले का जिक्र किया, तो मैंने सोचा बर्फ वाले के नाम से थोड़ा समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि मैं बर्फ का काम करता रहा हूँ। है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं थी, फैक्ट्री से बर्फ लेके अपनी सप्लाई करता था। 60-70 सीढ़ियाँ डेली सप्लाई करता था, इससे करता था। ये मेरा साथी है और मैंने यादगिरी के लिए अपने रखा हुआ है। अच्छा, ऑलरेडी आपने रख रखा है यहाँ पे संभाल के अपने साथी? हाँ जी हाँ जी, शुरुआत से आपने मेहनत करी है मतलब? हाँ जी, बचपन से ही मेहनत करता आया हूँ मैं। इंसान वो कहते हैं ना, लकीरों को कुछ नहीं कहना, लेकिन मेहनत करेगा इंसान तो एक दिन पहुँच जाए। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही करते रहो, फल तो उस मालिक ने देना जो देना है। अच्छा बुरा वो देखेंगे, हमने अपना कर्म करना है। अगर अच्छा लगेगा तो हमें पता नहीं कहाँ बिठाएंगे, गंदे करेंगे पता नहीं कहाँ गिरेंगे। आपने इतने लोगों का दर्द हर लिया है तो ईश्वर आपको बहुत आगे ही पहुँचाएगा, ऐसा नहीं? नहीं देखो, उस मालिक के बैठे हैं, गुरुजनों की सेवा के बीच में बैठे हम, है नहीं, माँ बहन बेटी सब आते हैं। अगर आप अभी 10-15 मिनट पहले आते, खिलाड़ी थे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। अच्छा। है नहीं, कबड्डी के 2 लड़कियाँ आई हुई थी मधुबन से, अगर आप देखते, उनसे भी इंटरव्यू लेते, उनका भी ट्रीटमेंट देखते, आपको कुछ और भी पता लगता भाई हाँ क्या चीज़ है। उनसे पूछते, उंगलियाँ उतरी हुई थी। अच्छा। गट्टे ठुके हुए थे, गोडे टेढ़े थे, है नहीं, और बस ठीक खुश होते हुए दोनों बेटी गई हैं। आज उनकी 3 बजे है नहीं, क्या नाम है, मैच है। हाँ जी, आज 3 बजे मैच है। मैं कहा बेटे 3 बजे आप मैच खेलो, कल को, कल नहीं परसों आप फिर मेरे को दिखा के जाओ। शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही खास वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।